क्लास आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग दो तीन बार वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन, यानी इंसान के अंदरूनी निज़ामों के बारे में। सामने टॉपिक इतना बड़ा लिखा हुआ है आप लोग का, एलिमेंट्री सिस्टम आ रहा है। व्हाट इज एलिमेंट्री सिस्टम, क्या होता है एलिमेंट्री सिस्टम? उर्दू में इसको बोलते हैं निज़ामे हाजमा, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो निज़ामे हाजमा लिखे हैं मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहलाता है, एलिमेंट्री सिस्टम भी कहलाता है। तो ये निज़ामे हाजमा क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में, इसका क्या रोल है, क्यों ज़रूरी है भाई? तो निज़ामे हाजमा की ही मदद से हमारा जो खाना होता है, जो हम लोग खाते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यानी न्यूट्रिशन जानती हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, ये सब चीज़ें तकज़िया जो हमारे खाने में मौजूद होती हैं, उसके साथ बेकार मादे भी होते हैं जो हमारे काम बॉडी के लिए कुछ नुकसानदायक होते हैं, मतलब बेकार होते हैं, कुछ यूजलेस है। तो उन चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालती है और हमारे ग़िज़ा को हज़म करती है। हज़म करना क्यों ज़रूरी है हमारे ग़िज़ा को, ताकि ये हज़म शुदा ग़िज़ा हमारे खून में शामिल हो सके। और हम जानते हैं हमारे खून में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग को लंग्स, और लंग्स से पहले हवा, हवा में जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो हमारे हवा के ऑक्सीजन लंग्स में आते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो खून में शामिल रहते हैं ये, और जो अमल एलिमेंट्री सिस्टम की वजह से हमारा फूड का जो तज़िया वो भी खून में शामिल हो जाता है अच्छी तरह से हज़म होके, तो इन दोनों के मिलने से हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, बिना एनर्जी के हम लोग एक काम भी नहीं कर सकते, और हमारी बॉडी को निशुनुमा भी देता है। तो इस तरह हमारे खाने को हज़म करने का काम है निज़ामे हाजमा का। निज़ामे हाजमा का एक ये काम तो हो गया ग़िज़ा को हजम करना, और एक काम होता है बेकार मादों को जिस्म से बाहर निकालना, क्योंकि वो बेकार मादे जहरीले भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान भी दे सकते हैं अगर हम लोग की बॉडी में रहे। तो इस तरह ये जानते हैं आप लोग कि हम ग़िज़ा को हजम करना और बेकार मादों को जिस्म से निकालना, ये होता है हमारे एलिमेंट्री सिस्टम का काम। और इसका रिजल्ट भी जान गई कि आखिरकार हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी, जो हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। ये आप लोग का एक टॉपिक में हेडिंग में दिया होगा कि फूड को खाने को जब हम ऑक्सीजन से मिलता है, यानी खून जब खून में फूड जब हमारे खून में शामिल हो जाता है, ऑक्सीजन भी हमारे खून में मौजूद होता है, दोनों मिल जाता है तो हम लोग का एनर्जी मिलता है। इस पूरे अमल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं कि निज़ामे हाजमा के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एलिमेंट्री कैनल। कैनल क्या होता है, ग़िज़ाई नाली, मतलब कि हमारी बॉडी में जो हज़म का निज़ाम है एक नली का निज़ाम है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की नलियां और बहुत तरह के हिस्से शामिल हैं। और ये नली कहाँ से शुरू होती है, हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे मकर यानी एनस ख़त्म हो जाती है। और इस दरमियान क्या होता है, फूड खाना हमारा इतना हजम होता है, इतना पीसता है, इतना महीन होता है कि फिर इतने अमल के बाद वो हमारे खून में शामिल हो जाता है। उसका जो न्यूट्रिशन हम पढ़े, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। और फिर जो बेकार मादे हैं उसको जिसमें बाहर कौन निकलता है, एनस से, वो जिसम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसके दरमियान यहाँ तक आ रहा है, उसके दरमियान बहुत सारी आप लोगों की चीज़ें आएंगी कि क्या क्या पार्ट्स हैं, वो हम लोग आप लोग को एक डायग्राम सेंड किए हैं, वो डायग्राम आपके बुक में है, उसमें देख लीजिएगा क्या है पूरा मुंह से लेकर नीचे तक का निज़ाम। तो आज सिर्फ हम लोग मुंह के निज़ाम, मतलब मुंह के पार्ट में पढ़ते हैं कि इंसान के जो माउथ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चार्ट में देखिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड, टीथ और टंग। टंग तो पता है आप लोगों को, ज़बान जो हमारा मज़ा महसूस करने में, खट्टा मीठा और जायका महसूस करने में मदद करता है हमारा टंग। नेक्स्ट है हमारा टीथ। टीथ आप लोग देख रही हैं यहाँ पे हम नाम लिखे हैं, ये पार्ट्स का नाम है कि हम लोग के जानती हैं आप लोग, एक बालिग इंसान का 32 दांत होता है, और 32 दांत में ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16 होती है। उस होने के बावजूद उसमें चार तरह के, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ चीरने वाले दांत होते हैं, तो उनका एक नाम है इंग्लिश में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसका उर्दू में नाम पढ़ लीजिएगा। और ये क्या लिखा है मैंने, यानी कि एक हिस्से की तरफ हम लोग का ऊपर वाले जबड़े में कितना इंसीजर होता है, कितना कैनाइन होता है, कितना प्रीमोलर होता है, कितना मोलर होता है, ये भी तस्वीर हम दिए हैं आप लोग को। मैं देखिएगा कि एक तरफ पूरा दिखाया हुआ है, एक तरफ दो इंसीजर होते हैं सामने के दांत, फिर कैनाइन नुकीले दांत, फिर प्रीमोलर
है वो थोड़े चौड़े, और एकदम पीछे की तरफ जो चौदार बोलते हैं उसको, वो होता है हमारा मोलर। वो तीन पीस, ये फॉर्मूला है इंसान के दांत के, दांत का। अब यहाँ आ जाते हैं सलिवरी ग्लैंड। क्या होता है सलिवरी ग्लैंड? ये गिल्टियाँ होती हैं, जिससे जैसे हमारे मुंह में, आप लोग देखते होंगे हर वक्त हमारा मुंह गीला रहता है, किस तरह से एक रस निकलता रहता है म्यूकस, जो हमारे खाने को चिकना करता है ताकि वो आराम से गले से निकल जाए। तो इस ग्लैंड में, सलिवरी ग्लैंड का ही काम है जो हमारे खाने को चिकनाहट बख्शता है, जो हम लोग आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। अभी इसका पार्ट पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए इंसान का मुंह के बारे में, मुंह की टीवी है नक्शा, तो ये जमान है, तो इसमें तीन तरह के ग्लैंड होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करता है, और ये म्यूकस जो हमारा थूक भी बोल सकते हैं आप लोग को, आप लोग के खाने के दौरान ये हमारे कुछ गिजा में शामिल होगा, उसको चिकना बनाता है ताकि और हमारा खाना नरम हो, मुलायम हो और जल्दी हजम हो। तो हमारा जो एलिमेंट्री सिस्टम का निज़ाम, यानी निज़ाम में हाजमा, हमारे मुंह से ही शुरू होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ माउथ का ही पढ़ेंगे कि ये तीन पार्ट होता है। तीन पार्ट में ये दांत के चार हिस्से हैं। इसका नक्शा देख लीजिएगा, जो हम पिक्चर भेजे हैं आपको, बुक में भी है। ये पैरोटिड ग्लैंड का ही नक्शा मैंने बना दिया, फिर भी बुक में भी देख लीजिएगा। टंग का भी नक्शा है, टंग का उतना खास नहीं है कि क्या है उसका काम देखना है। और आप लोग को एक चीज देखना है कि एलिमेंट्री कैनल जो डिजाइन अली है, जो मुंह से लेकर आनस तक खत्म होती है, उसके दरमियान कितना पार्ट्स है, उस पार्ट का नाम देख लेना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए ईजी रहे। ठीक है, ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ये चार्ट आप लोग बना लीजिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। अब कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा।